नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, क्या आप भी अपने टेरेस गार्डन में बड़े प्लांट को लेकर चिंतित रहते हैं कि इसको कैसे लगाएं, इतनी मिट्टी कैसे अरेंज करें, क्या खाद दें इसमें, और किस तरीके से हम एक बड़ा प्लांटर तैयार करें जिसमें हम गार्डनिंग आसानी से कर सकें? तो दोस्तों, ऐसे ही बड़े प्लांटर को लेकर मैं आया हूँ आज, और दिखाऊँगा किस तरीके से हम इसको भर सकते हैं, किस तरह से फिलअप करें, कैसी मिट्टी मिलाएं इसमें, क्या खाद पानी दें, ताकि टेरेस गार्डन पर बहुत ज़्यादा वजन भी ना हो और आप अच्छे से उसमें ग्रो कर पाएँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आज सारी चिंताओं का निवारण इस वीडियो से मैं करने वाला हूँ जो आपको बड़े प्लांटर को लेकर रहती हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू करते हैं। देखिए, मेरे हाथ में ये है थर्मोकोल का एक काफ़ी बड़ा कंटेनर जो एक प्लांटर का काम करेगा मेरे टेरेस गार्डन पर। तो दोस्तों, इसमें देखिए, सबसे पहले एक नीचे की तरफ होल कर लीजिए। वैसे मैं जहाँ से इसको लेके आया हूँ इसमें, वहाँ से मुझे पहले ही ये होल इसमें हुआ मिला है। तो इस होल को बंद करने के लिए मैंने जूट की बोरी का एक टुकड़ा लिया है, उसका इस्तेमाल किया है। आप इसके जगह पर नारियल के छिलके, सूखी पत्तियाँ या कोई पत्थर का टुकड़ा भी लगा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले थोड़ा सा मैनोर डाला है खाद, और उसके बाद में ढेर सारी सूखी पत्तियाँ। तो दोस्तों, कुछ समय के बाद ये सूखी पत्तियाँ भी खाद में कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन तब तक आपके प्लांटर को भी भरेंगी ये पत्तियाँ, और इससे आपके टेरेस पर ज़्यादा वेट भी नहीं होगा। प्रोसेस वही है दोस्तों, जिस तरह से हम किचन कंपोस्ट तैयार करते हैं। देखिए, इसके बाद फिर मैंने एक लेयर पुराने किचन कंपोस्ट और मैन्योर की डाल दी है। इसके बाद जिसको आप वेस्ट समझते हैं और अक्सर फेंक देते हैं, जी हाँ, किचन से निकला हुआ जो किचन है उससे जो गीला कचरा, यानी कि सब्जियों का और फलों का जो छिलका मिलता है, उसको मैंने इस पर डाला है। ये देखिए, इस तरीके से आप चारों तरफ फैला दें। दोस्तों, अगर आपके पास सूखी पत्तियां नहीं है तो आप इस तरह के जो गत्ते आते हैं जिनमें सामान आता है, खाने के लिए आप पिज्जा मंगवाते हैं दोस्तों, या और भी बहुत सारे आइटम पैक होकर आते हैं, इस तरह का जो खाकी पेपर होता है मोटे वाला गत्ता, उसके टुकड़े कर लीजिए इस तरीके से छोटे छोटे। उसके पीसेस को आप कैंची से कर लें या हाथ से फाड़ कर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह भी डिकम्पोज होकर के खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों, मेरे पास काफ़ी पत्तियाँ हैं, लेकिन ये मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा इसमें पेपर डाल दिया है। इसके बाद फिर से एक लेयर में यही ड्राई लीव्स की डालने वाला हूँ। दोस्तों, लगभग मैं इसको एक फीट ऊंचाई तक इसी तरीके से फिलअप करूँगा, ताकि टेरेस गार्डन के अंदर छत के ऊपर ज़्यादा वेट ना हो। और दोस्तों, ये बहुत ही लाइट है लेकिन मजबूत भी है साथ के साथ, ये जो मैंने प्लांटर बनाया है इस थर्मोकोल के कंटेनर को। तो दोस्तों, ये मैंने सोशल मीडिया पर कई लोगों को इसका इस्तेमाल करते हुए देखा था, तो दोस्तों मैंने भी इसे ढूंढ निकाला और ले आया अपने टेरेस गार्डन पर, जिसका मैं बहुत अच्छे से यूज करने वाला हूं। ये देखिए, इतना भर चुका है। तो होप यू आर एंजॉयिंग द आइडिया। इसके बाद दोस्तों, हम इसमें मिलाएंगे मिट्टी, लेकिन उससे पहले अब हम इस प्लांटर को ऐसी जगह शिफ्ट कर देंगे जहां पर परमानेंट हमें इसे रखे देना है, रोज़ रोज़ इसकी जगह नहीं बदलनी है दोस्तों, और ये मिट्टी डालने से पहले करना है। यदि मिट्टी डाल देंगे तो काफ़ी वेट हो जाएगा बड़े प्लांटर में, और यदि आप उसको उठाएंगे तो वो डैमेज हो सकता है, टूट सकता है। तो दोस्तों, मिट्टी कैसे बनानी है इसके लिए, यह मेरे चैनल पर आप विजिट करके जान सकते हैं। मैंने कई वीडियोज़ में यह बताया हुआ है कि हम एक वेल ड्रेन और रिच सोयल किस तरह से तैयार करें, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, क्योंकि अगर डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए मिट्टी में जो गार्डन सोयल है उसमें आप मैनोर मिलाएं, और साथ में मिला सकते हैं राइस हस्क, कोकोपीट, किचन कंपोस्ट, या उसके साथ साथ थोड़ा सा बोन मील। दोस्तों, ये सभी मैंने उचित मात्रा में मिलाया है, और देखिए, इसके बाद मैंने प्लांटर को एक फिक्स जगह पर सेट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको मेरा ये आइडिया गार्डनिंग का पसंद आया होगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
और यदि चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर इस तरह के अच्छे आइडियाज़ और गार्डनिंग टिप्स मैं आपको देता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इस प्लांटर में मैं आज लगाने वाला हूं भिंडियां। ये दोस्तों मैंने भिंडियां लगा दी हैं इसमें। दोस्तों याद रखिएगा कि कोई भी नेक नियत से किया गया कार्य सफल अवश्य होता है।